नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शुभम और रेवा सॉफ्टटेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही नए सेगमेंट के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ईवी के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल, चाहे वो फोर व्हीलर हो चाहे टू व्हीलर हो। ठीक है, तो आज मैं आपको भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टू व्हीलर के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे कि हमारी जॉय ई बाइक्स की हो गई है ना, और काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं, इन सबके बारे में। तो सारे का जो सेल और परचेज का मैनेजमेंट होता है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करता है उनके पार्ट्स नंबर के अकॉर्डिंग। सपोज दैट मोटर नंबर हो गया, चार्जर नंबर हो गया, बैटरी नंबर हो गया, एंड बहुत सारे ऐसे होते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं, तो कृपया हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये आ चुके हैं हम अपने पीसी स्क्रीन पे। यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये हमारा स्पीड प्लस का सॉफ्टवेयर, जिसमें हमने एक कंपनी क्रिएट की हुई है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए। ठीक है जी, ये देखिए, ई बाइक एडवाइजरी ओबीसी प्राइवेट लिमिटेड है ना। हमने ये आईडी पासवर्ड डाला और ये हमारा इसका डैशबोर्ड आ गया। ठीक है जी, यहां पर हमने देख लिया कि सारी चीजें हमारी क्या है, ऑन डैशबोर्ड है। आपको किसी भी चीज के लिए कहीं पर जाना नहीं है कि भाई हाँ इस ऑप्शन के अंदर जाओ, फिर वहां जाओ, फिर वहां जाओ, तब जाके मिले। जो मैक्सिमम आपके रिक्वायरमेंट की चीजें होती है वो ऑन डैशबोर्ड है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम मोटरसाइकिल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमको न्यू में क्लिक करना है सिंपली यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमको ईवी का नाम टाइप कर देना है, सपोज दैट जो भी आपका ईवी हो। मैंने यहाँ पे ईवी बाइक डाल दिया। ठीक है जी, यहाँ पर आपका मान लीजिए उसमें 5% टैक्स लगता है कि जिस कंपनी का, वो कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। स्कूटर स्कूटर कर लिया, पीसेस ले लिया। अब यहाँ पे सीरियल नंबर मेंटेन पे क्लिक कर देना है और इसको सेव कर देना है। बस इतना काम है हमको आइटम लिस्टेड करने पे। ठीक है जी, ये हमारा आइटम हमारा लिस्टेड हो गया। अब चलते हैं हम क्या परचेज करने पे। जो भी हमारी कंपनी से परचेज होती है, तो हमने परचेज पे यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एंटर करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना कि आपने कैश में परचेज कर रहे हो या क्रेडिट में कर रहे हो। तो अभी मैं क्रेडिट में करने वाला हूँ ताकि आपको बता सकूँ, है ना। तो ये मैंने बना लिया जो है इंडस्ट्रियल कंपनी, एंटर किया, एंटर एंटर। ठीक है जी, यहाँ पर पूरी डिटेल्स डालनी। अब मैंने ये ईवी बनाया हुआ था। ठीक है जी, एंटर किया, यहाँ पे मैंने सपोज दैट दो ईवी डालनी, और यहाँ पे अब आएंगे इसके सीरियल नंबर। तो यहाँ पे आएगा क्या, जॉब सीरियल नंबर। ठीक है, कलर आ जाएगा, चेसिस नंबर आ जाएगा। ठीक है, हब मोटर नंबर आ जाएगा, बैटरी नंबर आ जाएगा आपका, चार्जर नंबर आ जाएगा। ठीक है, डीलर कोड आ जाएगा, और एक्स्ट्रा में अगर आपको कुछ और भी यहाँ पे इसकी डिटेल डालनी हो वो डाल दीजिए। ये एक हो गया, ऐसी सेम हमारे को दूसरी वाले की डालनी होंगी, मतलब जितनी भी आप परचेज करते हो तो सेल टाइम पे आपको ये सर्च नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये हम डालते जा रहे हैं। हमने जो भी रेंडमली डाल दिया यहाँ पे डाल दिया, जो भी आपका डीलर कोड होता है एक्स्ट्रा। ठीक है जी, सपोज दैट मान लीजिए आपको 70,000 की आती है, तो हमने 70,000 डाला, 7,000 रुपये टैक्स लगा, और ये हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है जी, ये हमारी परचेज चढ़ गई।
अब इसके बाद क्या करेंगे हम, रिपोर्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं हमारे सीरियल नंबर। तो यहाँ पे हम देंगे सीरियल नंबर रजिस्टर और यहाँ पे देख लेंगे अवेलेबल सीरियल नंबर, ठीक है, ओके करेंगे। ये देखिए ये आगे हमारे पास पूरी पूरी की पूरी डिटेल आ चुकी है, कौन कौन से सीरियल नंबर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है जी। अब देखिए जैसे ईवी का मैंने ये डाले हुए थे, ये दोनों ऊपर ही दिख रहे हैं ना, ये सीरियल नंबर, ये डेट, सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ अवेलेबिलिटी दिख जाती है। अब हमको सेल करने जाना है, तो यहाँ पे हमने न्यू में क्लिक कर देना है। ये हमारा पूरा सेल का विंडो रहेगा, इसमें रजिस्टर भी आप यहीं से देख सकते हैं और बिल्स भी, ठीक है जी। ये हमने एंटर किया। अब यहाँ मान लीजिए नगद में कोई खरीद रहा है तो कैश में, और कुछ पैसे जमा करके या एक आध महीने की साइड लेके लेता है तो, या फिर फाइनेंस करवाता है तो हम क्रेडिट में रखते हैं, ठीक है। तो अभी पहले फिलहाल मैं आपको कैश में बताता हूँ, ठीक है। मैंने ले लिया सपोज दैट अभिषेक पाल, ठीक है, सन ऑफ विजय पाल ले लिया अपन ने, और यहाँ पर उनकी डिटेल्स यहाँ पर अभी नहीं डालनी है, जो भी डिटेल्स रहती है। अब यहाँ पर ईवी मैंने सिलेक्ट किया, एक एंटर किया, एंटर। अब यहाँ पर F3 दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सीरियल नंबर आ जाएंगे, ठीक है जी। अब जो सीरियल नंबर हम भेज रहे हैं उसको क्लिक चेक मार्क करना है, ओके करना है, एंटर करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे डाल दिया कि हमने सपोज दैट उसको 95 का भेजा, ठीक है, एंटर किया, ठीक है जी। अब इसको हमने सेव कर दिया, ये हमारा बिल सेव हो गया। हमने प्रिंट करके बिल दे देना है इसको, सिंपली यस पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे प्रीव्यू मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। तो नॉर्मल GST इनवॉइस दिखा रहा हूँ, फिर एक और अभी आपको फाइनेंस वाली दिखाऊंगा, ठीक है जी। ये देखिए ये आ गया, ये आपका लोगो आ जाएगा, जो भी रहेगा, आपकी कस्टमर की डिटेल्स आ गई, जॉब सीरियल नंबर है, कलर है, HHS नंबर है, ये सारी डिटेल्स आपको बिल पे मिलने वाली है, ठीक है। एक पीस है, रेट इतने का है, इतना टैक्स लगा, ये टोटल वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर रिसीवर के सिग्नेचर, जो भी रिसीव करता है, ये सारी आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह आप चाहते हैं पेमेंट डिटेल्स तो यहाँ पर ऐड की जा सकती हैं, ठीक है जी। अगर बिल फॉर्मेट में आपको कोई भी चेंजेस चाहिए तो वो करेक्शन अवेलेबल है, ठीक है जी। अब इसको हमने क्लोज कर दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ कि मान लीजिए कोई फाइनेंस करवाता है ना, सपोज दैट श्रीराम फाइनेंस से हमको फाइनेंस करानी है, तो फाइनेंस की पार्टी का, हमारी मेन पार्टी कौन होगी, फाइनेंस, जो फाइनेंस कर रही है, ठीक है। अब सेकेंडरी नेम आएगा कस्टमर का, ठीक है, रोहित सन ऑफ नीलेश, यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है जी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी डिटेल्स हैं वो ले रही हैं। हमने ईवी ले लिया यहाँ पर, या हम दूसरी बाइक ले लेते हैं, हमारे पास और भी है, जैसे मैंने मान लीजिए इसमें ये ले लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 1 क्वांटिटी ले ली, एंटर किया, अब यहाँ पे F3 दबाया मैंने, ये मेरे पास डिटेल्स हैं, इसको चेक मार्क किया और ओके किया, एंटर करना है, ये सारी डिटेल्स आ गई हमारे पास। अब इसको दे दिया मैंने 99,000 का, ठीक है जी, ये हो गया, और जैसे उसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है जी। अब मैं कहूँगा डू यू वॉन्ट टू प्रिंट बिल, ठीक है जी। यहाँ पे जाके अब मेरे को कस्टमर प्लस फाइनेंस वाली लेनी है, तो अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू करूँगा, क्योंकि ये बाइक हमारी क्या हुई है, फाइनेंस, और फाइनेंस में जो डाउन पेमेंट जमा हुई है वो भी यहाँ पे बताएगा, तो फाइनेंस किससे हुई है, श्रीराम फाइनेंस से, ठीक है। और किसको फाइनेंस हुई है, यहाँ पे आ गया रोहित, नेम आ गया रोहित सन ऑफ, मतलब जो जो डिटेल डालेंगे वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है जी। मतलब इसका फाइनेंस मैनेजमेंट भी आप रख सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें कुछ वो ओपनिंग वाले, मतलब क्या करता है, कुछ पैसे, मतलब फाइनेंस के लिए कुछ डाउन पेमेंट देता है,
ठीक है, तो यहाँ चार्जेस में जाना होता है, ठीक है, यहाँ पे डाउन पेमेंट सेलेक्ट कर लेना होता है। सपोज दैट उसने 30,000 रुपये डाउन पेमेंट दी है, एड टू लिस्ट कर देना है, और इसको वापस से मैं अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये मैंने इसमें डाउन पेमेंट ले ली, सॉरी ये दूसरा बिल फॉर्मेट ओपन कर लिया मैंने। यहाँ पे आपको फाइनेंस वाला दिखाना है, ये प्रीव्यू किया मैंने, ये देखिए यहाँ पर डाउन पेमेंट दिखाने लगा कि भाई इतनी डाउन पेमेंट हो चुकी है, अब बचे हुए रेस्ट ऑफ अमाउंट की क्या होगा, इसकी ईएमआई बन जाएंगी, ठीक है जी। तो ईएमआई वाला जो क्या होता है वो फाइनेंस सेक्टर देख लेता है। तो आपके लिए ये सारी चीजें इसमें कंप्लीट हो जाने वाली हैं। अगर आप इसी से जीएसटी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो यहीं पर हमारी जीएसटी की कंप्लीट रिपोर्टिंग मिल जाती है आपको। B2C है, B2B है, HSN है, GST डेट वाइज है, HSN वाइज है, और कंप्लीट GSN ई फाइलिंग के लिए हमारी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे रिपोर्ट आपको मिल जानी है। और स्टैंडिंग आप देखें, अगर मान लीजिए पेबल पेबल हम देखें, ओके करते हैं, तो हमको जिसको पेमेंट करनी है वो दिखता रहता है यहाँ पर, ठीक है। रिसीवेबल पे देखें किस किस से लेना है तो वो भी दिखता रहता है, ठीक है जी। ये हो गया, अभी हमें श्रीराम फाइनेंस से, ये देखिए यही बाइक फाइनेंस की थी, 73,950 रुपये बाकी थे, ठीक है जी। तो ये हमको ऐसे पैसे लेने हैं, ठीक है जी। तो हमको बैंक जब तक डिसबर्समेंट नहीं कर देता है तब ये क्लियर पेमेंट दिखता है। अब मान लीजिए क्या हुआ, जब हम बैंक ने हमें पैसे दे दिए, डिसबर्स कर दिए, मान लीजिए किसी बैंक में दिए, ठीक है, हमने श्रीराम फाइनेंस डाला, ठीक है, चेक डिटेल या NEFT है जो भी हुआ हमारा, तो वो डाल के हम उनका पूरा अमाउंट डिसबर्स कर देते हैं। मतलब यहाँ पर हमने रिसीव कर लिया तो हमारा पेमेंट हमको पूरा मिलेगा, अब जो EMI चलेगी वो बैंक के थ्रू चलेगी, ठीक है जी। तो ये इतने आसान तरीके से आप अपनी ईवी मोटर्स की शोरूम को मैनेज कर सकते हो, ठीक है जी। स्टॉक रिपोर्ट देखना है आपको तो यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट पूरा दिखता रहता है, किस मोटरसाइकिल का क्या स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, ठीक है जी। अब मान लीजिए आपको इसको सीरियल नंबर वाइज देखना है या चेचेस नंबर वाइज देखना है तो वो यहाँ पर रिपोर्ट सेक्शन में अवेलेबल है, ठीक है जी। यहाँ पर ये आप सीरियल नंबर पे गए और सीरियल नंबर वाइज सेल देखनी है आपको, ठीक है जी। मान लीजिए यहाँ पर आपको आज की डेट की, ये देखिए ये दिख रही है ना, ये वाली अपन ने बेची ईवी, तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स हमको मिल जाती हैं, ठीक है जी। तो आपको कैसे कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका भी इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स का शोरूम है या आप ओपन करने की सोच रहे हैं तो एक बार हमारे सॉफ्टवेयर का डेमो लेके जरूर देखिए। आई होप आपकी अगर और भी कोई क्वेरीज होंगी तो वो हमारे सॉफ्टवेयर में कंप्लीट शॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।